Hello Canadians, my name is Rishi Arora and you are watching The Can. ये वीडियो बहुत ही awesome होने वाली है, वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना जमा आत, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हम भाइयों के साथ ना सर्दियों में होती है, जो साली होती तो बहुत छोटी हैं लेकिन हमें इरीटेट बहुत करती हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके साथ भी होती हैं, लेकिन उससे पहले वो घंटा आइकॉन दबाओ और मेरे घंटी वाले यार बनो क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। मेरी पिछली वीडियो में से इस वीडियो में जो कमेंट फीचर हुआ है वो फीचर हुआ है गगनदीप सिंह का, लोग देखते गुची अरमानी का टैग है, अपने ऋषि भाई का वखरा ही स्वैग है, ये बात कर लो अपने कान के आर पार, बन जाओ भाई के घंटी वाले यार। नंबर वन हैक, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हो ना, और आपने नोट किया होगा कि जब हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं जो हमारा वॉशरूम में शीशा होता है उसके ऊपर सारी स्टीम जम जाती है। तो जब आपने उस हैंडसम से लड़के को जो आपको शीशे में दिख रहा होता है उसको निहारना होता है या फिर आपने अपने हेयर स्टाइल करने होते हैं, देन उस शीशे को जितना मर्जी साफ कर लो उसके ऊपर दोबारा स्टीम जमती रहती है और वो बहुत इरीटेट करती है। अगर आपको इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, आपको क्या करना है, जो हमारी शेविंग क्रीम होती है, यस, नहाने से पहले थोड़ी सी शेविंग क्रीम लो और शीशे पे लगाओ एंड देन उसको रब कर दो और फिर ना हो आप देखना कि आपके शीशे के ऊपर वो स्टीम जमेगी ही नहीं, देन नहाने के बाद अपने आप को जैसे मर्जी निहारो, कोई चक्कर ही नहीं है। नंबर टू हैक, अभी यस राइट नाउ ना अपनी एंकल्स को देखो, दिखा कुछ, या फिर अपनी एल्बोज को देखो, दिखा कुछ, अगर आपको वहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा दिखा है देन भाई ये है खुश्की, जिसे आप कहते हो स्किन ड्राइनेस, और इसी की वजह से हमारी स्किन फटना शुरू होती है और ये चीज़ ना सर्दियों में आपके हाइजीन की बैंड बजा देती है। और अगर आपकी डार्क कम्प्लेक्शन है देन मैंने बहुत से भाइयों के देखा है कि उनके ना खुश्की दूर से ही दिख रही होती है, नहाने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता है जैसे ना वो किसी पहाड़ों से ना पत्थर पुत्थर तोड़ के धूल मिट्टी से रंग के आए हैं। यही पे काम आता है हमारी इस वीडियो का स्पॉन्सर उस्तरा बॉडी लोशन। यार आपको पता ही है मैं उस्तरा ब्रांड के साथ क्यों जुड़ा हूँ या मैं इस ब्रांड को क्यों प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स आपको, मुझे, हम इंडियन भाइयों को, हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखकर बनाए होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमारे इंडिया में ना ज़्यादातर भाइयों का डार्क कम्प्लेक्शन होता है, और अगर आप और कोई बॉडी लोशन लगाओगे ना तो क्या होता है कि जब उस बॉडी लोशन को आप लगाते हो तो अपने जहाँ पे आप लगाओगे ना वहाँ पे हल्की हल्की वो वाइट वाइट सा दिखता है, लेकिन इस बॉडी लोशन से अगर आप इस बॉडी लोशन को लगाओगे तो आपको उस जहाँ पे आप लगाओगे वहाँ पे वाइटनेस नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो आपके डार्क कम्प्लेक्शन के ऊपर क्लियर नहीं दिखेगा। और नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता ही है यार कितनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, और इसी रीज़न के कारण स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा फटती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस बॉडी लोशन को लेना है और नहाने के बाद बॉडी पे लगाना है। इसमें है शिया बटर एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्स सीड्स एक्सट्रैक्ट और इस तरह के और भी बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत स्मूथ और बिल्कुल ड्राई फ्री रखेंगे। मैं क्यों बोलता हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स लड़कों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई और बॉडी लोशन लगाओगे ना जो हम भाइयों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, उस बॉडी लोशन में ना वो लड़कियों की खुशबू आ रही होती है तो हम उसमें लगा देते हैं, हमारे दोस्त पता क्या बोलते हैं, तो साला लड़कियों वाले काम करता है। लेकिन इस बॉडी लोशन में ऐसी कोई भी खुशबू नहीं आती, बहुत मैनली सी खुशबू आती है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्पेशली बी कैंट सब्सक्राइबर्स के लिए 15% डिस्काउंट, आपको कूपन कोड लगाना है बी कैंट विदाउट स्पेस और कैपिटल लेटर्स। नंबर थ्री हैक, आप सब भाइयों की एक ऐसी स्वेटर पक्की होगी जो है आपकी बहुत फेवरेट और किसी जमाने में आपको बहुत अपनी फिटिंग के हिसाब से आती थी, लेकिन अब वो होगी है लूज, और अगर आप उस स्वेटर को दोबारा पहनना चाहते हो अपनी फिटिंग के हिसाब से देन आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी हैक है। उस स्वेटर को लो और हल्के गुनगुने पानी में उस स्वेटर को डालो, देन उसके बाद सिरका 2 चम्मच एंड देन जो हमारा हेयर कंडीशनर होता है उसको उसमें डालो, अच्छी तरह मिक्स करो एंड आधे घंटे के लिए उसको वहीं पे छोड़ दो, देन उसके बाद उसको वहाँ पे निकालो, लेकिन निचोड़ना नहीं और ना ही वो तार पे डालना है और ना ही वो हमारे बनेरे पे डालना है। अब बनेरे को यार हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ना ही वो बनेरे पे डालना है। उसको क्या करना है कि आपने निकाला, या आप हमारी छत पे जहाँ पे धूप आती है या पे फर्श पे जहाँ पे धूप आती है उसको वैसे ही ऐसे लिटा दो और अपने आप उसे सूखने दो, वो स्वेटर अपनी उस आपकी फिटिंग के हिसाब की शेप में आ जाएगी। नंबर फोर हैक, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है, सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारे कार्डिगन्स होते हैं या जो हमारी जैकेट्स होती हैं उनकी जिप ना कई बार फंस जाती है, निकलती नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैसलीन लेनी है और जहाँ पे हमारी जिप फंसी हो वहाँ पे लगानी है एंड देन उसके बाद वो बड़ी आराम से स्मूथली चलेगी एंड यू आर गुड टू गो। नंबर फिफ्थ हैक,
यू गाइस विल गोना लव इट। सर्दियों में क्या होता है कि जब हम किसी कंबल में घुसते हैं ना, तो उस कंबल को ही गर्म करने में ना 10-15 मिनट आधा घंटा लग जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, अपने किसी भाई या बहन को ना उस कंबल से धक्का मारते हैं और उसके कंबल में घुस जाते हैं। आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेयर ड्रायर तो आप में से बहुत भाइयों के पास होगा ही। आपको क्या करना है, कंबल को लेना है और हेयर ड्रायर से ना पहले ही कंबल को गर्म कर लो एंड देन उसमें घुसो। यहाँ पे ना एक शेर याद आया है, मैं हर वीडियो बनाता हूँ सीक्रेट या हैक के ऊपर, मैं हर वीडियो बनाता हूँ सीक्रेट या हैक के ऊपर, वीकेंड के सब्सक्राइबर्स आर सुपर। ऐसे फुद्दू शेर ऐसे ही मारेंगे ऐसे ही। ये थी वीडियो उन चुनु प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमें सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। और अगर आप उस तरह बॉडी लोशन खरीदना चाहते हो देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 15% डिस्काउंट आपको कूपन कोड लगाना है बी कैट विदाउट स्पेस कैपिटल लेटर्स में। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आप इस हैक्स में से कौन सा हैक अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे कि इस भाई को आप भाइयों का ही सहारा है। सब्सक्राइब भी कर लो। Myself Rishi Roda signing off and I always say, always remember, you are awesome. That's true, man.